मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष मेरठ से, मैं प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश हिंदू न्यायपीठ। मैं आज संपूर्ण देश को बताना चाहता हूं कि आज नसीरुद्दीन शाह नामक एक जो हीरो है हिंदुस्तान के रहमो करम पे पलता है, खाता है, पीता है और आज हिंदुस्तान को ही घुर्राता है, उसने आज एक बयान दिया कि मुझे अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य मुझे उन्हें खतरा नजर आता है। आज उसे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होता है। 68 साल की उम्र में जहां उन्होंने इतना अपना जीवन में रश कमाया, इतना नाम कमाया, इतना सम्मान कमाया, वह सभी हिंदुओं को दोषी बता रहा है। उसने आज देश में एक बड़ी एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली बात कही कि आज हमारे देश में इंस्पेक्टर की कीमत कम है और गाय की ज्यादा है। मैं उस मूर्ख व्यक्ति को बताना चाहता हूं, हिंदू महासभा कार्यकर्ता होने के नाते, कि हमारे हिंदुओं के लिए गाय माता हमेशा आस्था के लिए ही सबसे बड़ा केंद्र रही है और आस्था के लिए हमेशा केंद्र रहेंगी। और रही हमारे उस इंस्पेक्टर की बात, तो उनको हम शत-शत नमन करते हैं जो हमारे देश की आन बान शान की खातिर शहीद हो गए। पर मैं नसीरुद्दीन शाह नामक व्यक्ति से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 68 साल की उम्र में आज आपको याद आता कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए आप मुस्लिम कंट्री का फ्रेंड होने का एक वादा निभाते हैं, एक पाकिस्तानी होने जैसी बातें करते हैं, कि आप कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि आपकी एक फिल्म आई थी सरफरोश, जिसके अंदर आपने एक पाकिस्तानी कवि होने का, एक गायक होने का फर्ज निभाया और पाकिस्तान का आतंकवादी बनकर देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। आज वही कार्य आप कर रहे हैं। तो हिंदू महासभा संपूर्ण देश के माध्यम से, वह संपूर्ण हिंदू महासभा एक ही बात कहती है कि नसीरुद्दीन शाह नामक व्यक्ति जैसे लोगों को या तो गधे पर मुंह काला करके बैठा कर चौपले चौपले घुमाना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए। क्योंकि नसीरुद्दीन शाह आज एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं, देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं नसीरुद्दीन शाह से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, तो आज तुम्हें इस बात की कैसे याद आई? तो मैं संपूर्ण मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से व माननीय राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने के कार्य करने के जुर्म में नसीरुद्दीन शाह नामक व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो हिंदू महासभा ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आजादी से बंटवारे से लेकर आज तक तैयार है और तैयार रहेगी। और नसीरुद्दीन शाह अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि उन्हें और किसी देश में अपना जीवन सुरक्षित लगता है, तो उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर वो उन्हें देश में रहना चाहते हैं, तो देश के संविधान के हिसाब से रहें, एकता और अखंडता को बनाने की बात करें और देश को तोड़ने की बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हिंदू महासभा एक ही बात कहेगी, या तो ऐसे व्यक्ति को काला मुंह कर गधे पर बैठा कर चौपले चौपले घुमाओ, या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र।